एक और किसान नेता हमारे साथ है, नाम है रवि आजाद। आपने अक्सर इनको सोशल मीडिया पर सुना होगा, जोशीले भाषण देते हैं, लगातार लठ की बात भी करते हुए दिखाई देते होंगे, क्या उनका वो कारण है? सबसे पहले वही जान लेते हैं। रवि भाई क्या कहेंगे, हमेशा आप मजबूत झंडा और मजबूत डंडे की बात करते हैं। नहीं, वो तो होना ही चाहिए। बड़ा झंडा जो होता है वो तो डंडे में डलेगा जी, तिरंगा जो है वो भी डंडे में लगता है, वो गाड़ी जा रही है वो देख लो झंडा लगा हुआ जी, वो भी डंडे में लगा हुआ है। तो मजबूत डंडा और बड़ा झंडा, बड़ा झंडा भी मजबूत डंडे में रुकेगा तो वो किसान की पहचान है, कंधे पे होना चाहिए। आज का जो यहाँ पर जो सम्मेलन किया गया है, इसका मुख्य कारण क्या था? अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया इसका। नहीं, निष्कर्ष निकला है, बहुत अच्छी यहाँ शुरुआत थी, बहुत अच्छी महापंचायत हुई है, और जो जो आंदोलन को ताकत देने के लिए यहाँ पे सुझाव आए हैं, निश्चित रूप से यहाँ की जो कमेटी है, टोल की कमेटी है, वो संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी में रखेगी और हम लोग सारे वहाँ उपस्थित रहेंगे। जो भी सुझाव आंदोलन को मजबूत करने का होगा, उस सुझाव के ऊपर विचार करके सर्वसम्मति से उसको लागू किया जाएगा। और जी, आपने भी कहा था अपने संबोधन में कि हम भी थोड़ा थक चुके हैं, क्या कारण है कि आप थक चुके हैं, ऐसा आपने अपने संबोधन में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि हम समझ सकते हैं इस बात को कि लंबा आंदोलन चल रहा है तो हमें थकान महसूस होती है, घर परिवार काम धंधे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन निश्चित तौर पे हमने ये भी सबसे अपील करी कि आंदोलन लंबा चलेगा लेकिन आप मजबूती से डटे रहें, जीत हमारी होगी और बगैर जीते हम घर लौट करके आने वाले नहीं है। राकेश टिकैत ने उपचुनाव में जिस पार्टी की तरफ इशारा किया, बताया जा रहा है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी किया, आपके लिहाज से क्या मानते हैं, वो सही था या फिर इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही? देखिए, ऐसा है, हमने किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ कोई इशारा नहीं किया, संयुक्त किसान मोर्चा की केवल एक अपील थी कि बीजेपी जेजेपी के खिलाफ वोट डाला जाए, वो अपील हम लेकर के गांव-गांव में गए। निश्चित तौर पे 2 तारीख को वहां से कमल के फूल को उखाड़ के फेंका जा रहा है इलाहाबाद से, और आंदोलन को बीजेपी जेजेपी को चुनाव हरा करके वहां किसान जीतेगा, कोई प्रत्याशी नहीं जीतेगा, और आंदोलन को 4 चांद एलनाबाद के जो बहादुर मतदाता हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, माताएं बहने हैं, सारे वर्ग जातियां धर्म मिलकर के एक नई ताकत देने का काम करेंगे। और एलनाबाद से ये सरकार को बता दिया गया है कि वोट की चोट मारेंगे और वही भाषा उनको समझ में आती है और ये पूरे देश में चलेगा, मिशन उत्तर प्रदेश भी चल रहा है जी। यहाँ की जो महिलाएं हैं स्टॉल की, अक्सर क्रांतिकारी देखी गई है, भाषण देती है, सोशल मीडिया पर छाई रहती है, क्या मानते हैं आप यहाँ की महिलाओं को दूसरे टोलों पर भी जा करके उनको जागृत करना चाहिए? निश्चित तौर पे यहाँ ये बहुत क्रांतिकारियों की धरती है, उचाणा की धरती है, ये खटखट टोल प्लाजा बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एक हमारे आंदोलन की यहाँ जड़े हैं, और यहाँ की जो हमारी बहनें हैं, माताएं, बहुत क्रांतिकारी हैं। हम तो बिल्कुल इस बात की अपील करेंगे कि वो दूसरे टोल प्लाजाओं पे और गांव-गांव में जाकर के माताओं बहनों को इस आंदोलन के साथ और ज्यादा ताकत के साथ जोड़े। एक महिला किसान नेत्री और थी, डॉक्टर सिक्कम चौकिन जी, आज वो यहाँ नहीं देखने को मिली, क्या कारण था? देखिए, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं क्योंकि मेरा उनसे इस प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ जी। युवाओं से आज की इस महापंचायत को लेकर के क्या कुछ अपील करना? देखिए, मैं यही अपील करूंगा कि एक बहुत बड़ा योगदान युवाओं ने इस आंदोलन में अदा किया, ये ऐतिहासिक आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, सब मिलकर के इस आंदोलन को हम लड़े, युवाओं की भागीदारी बढ़े, युवा भगत सिंह जैसा रोल इस आंदोलन में अदा कर रहे हैं, जोश और होश के साथ चल रहे हैं, और बस धैर्य रखिए, शांति रखिए, जोश के साथ लड़ते रहिए, जीत हमारी होगी, सत्ता की हार होने वाली है, किसान मजदूर जीतने वाला है, भारत जीतने वाला है जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। रवि आजाद हमारे बीच मौजूद थे, इन्होंने विचार रखे, आपको उनके विचार कैसे लगे? लगातार आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी सतवीर चहल के साथ नरेश कुमार, खटखट टोल।